नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। आज मैं बनाऊंगी चिकन करी। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि मैं चिकन करी किस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को कट कर लिए हैं। हाफ इंच टुकड़ा मैंने यहाँ पर अदरक दिया है और खूब सारी लहसुन की कलियाँ, और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी दिए हैं। उसका हमें बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट तैयार नहीं करना है, थोड़ा खुदरा रखना है इस पेस्ट को। उसके बाद हमने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल दिया है। यहाँ पर थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा तेल जो है थोड़ा ज़्यादा दिया है यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू को बीच से कट किया हुआ है। अब हम उस आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए आलू, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे। हल्दी पाउडर से जो है आलू में एक अच्छा रंग आएगा और नमक से जो है आलू में थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा। तो जैसे ही ये थोड़े से फ्राई हो जाते हैं अच्छे से, उसके बाद हम इसे अलग से एक बर्तन में उठा के रख लेंगे। देखिए यहाँ पर आलू जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इस आलू को निकाल लूँगी। जिस तेल में हमने आलू को फ्राई किया है उसी तेल में हम अब 3 तेज पत्ता, 2 इलायची, 3 लौंग और 2 दालचीनी हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ पर सारे खड़े मसाले यूज़ किए हैं। और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। जैसे ये थोड़े से भुन जाए उसके बाद हमने जो पेस्ट किया हुआ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट तैयार नहीं किए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो मसाले हैं वो थोड़ा खुदरा है। इसे हम थोड़े अच्छे से भून लेंगे। पहले तो हम इसे बहुत अच्छे से हमको करीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में चलाते रहना है और अच्छे से भूनते रहना है। थोड़ा सा भून जाए उसके बाद हम इसमें 1 टमाटर को कट किया हुआ है वो टमाटर हम इसमें ऐड कर लेंगे करके, और हमें मसाले को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से भूनना है। ये करी जब हम बनाते हैं मसाले, आप जितने भूनोगे उतना ज़्यादा इसका स्वाद उतना ही बढ़ता है। उसके बाद हम इसमें करीबन स्वाद अनुसार हम नमक यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें अब इसे इस मसाले को अच्छे से भून लेना है, और भी बहुत अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे। करीबन हमको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसी तरीके से मसाले को भूनते रहना है। जैसे ही मसाला अच्छे तरीके से भून जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन को अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे जब तक कि ये जो मसाले हैं वो तेल ना छोड़ दे। तब तक हमें इन मसालों के साथ चिकन को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करते रहना है, और इसे हमें लो फ्लेम में करना होगा। कम से कम इसमें 15 से 20 मिनट के लिए 20 मिनट का टाइम लग जाता है इसे फ्राई करने में। और जब हम फ्राई करते बहुत ज़्यादा हमको ये चिकन को बहुत ज़्यादा आपको चलाना नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है चिकन जो है वो टूट जाते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसको चलाते नहीं रहना है। हम जस्ट थोड़ा सा इसको चला देंगे, फिर हम उसको थोड़ा रेस्ट होने देंगे, उसके बाद फिर हम चलाएंगे जिससे कि ये कढ़ाई में नीचे लग ना जाए। बस ये आपको ख्याल रखना होगा। देखिए यहाँ पर जो है 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और इसमें मसाले ने अच्छे से तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें आलू जो फ्राई किए हुए हमने रखे थे अलग से, वो हमने इसमें ऐड कर लिए हैं, जिससे कि आलू भी जो है अच्छे से बॉयल्ड हो जाए और उसमें भी मसालों के टेस्ट जो है वो अच्छे से आ जाए। अब हमें इसमें आलू दे के भी और 5 से 10 मिनट के लिए और फ्राई करने होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अब मैंने यहाँ पर करीबन 1 लीटर पानी मैंने जो है पहले से गर्म करके रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। ठंडा पानी बिल्कुल मत दीजिएगा चिकन में, उससे क्या होता है चिकन जो है वो हार्ड हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें गर्म पानी ही ऐड करें। उसके बाद हम ये पानी जैसे ही हम ऐड कर देते हैं उसके बाद हमें करीबन 20 से 25 मिनट के लिए ढक के चिकन को पकाना होता है, जिससे कि चिकन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और उसमें मसालों के जो स्वाद है
वो भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें आ जाए, इसलिए हम इसको ढक के अब पकाएंगे। देखिए यहाँ पर चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आज बस यही थे, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आऊँगी।